गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर सेफ एट होम। टुडे वी विल स्टार्ट एक्सरसाइज 3.5 ऑफ चैप्टर 3। फर्स्ट पार्ट इज मैच द कॉलम्स। आपने इनको प्लस करके जो आंसर आएगा उसके साथ मैच करना है। जैसे आपको दिया 710 प्लस 199, इन दोनों को प्लस करोगे तो आपके पास आएगा 909। तो यहाँ पे आप इसको मैच करोगे। नेक्स्ट है 777 प्लस 77, इन दोनों को प्लस करके आपके पास आएगा 854। 410 प्लस 677 को प्लस करो 1087। 299 प्लस 399 698। 495 प्लस 233 दैट इज 728। इस तरह से आप मैच इट करोगे। नाउ सेकेंड पार्ट इज फाइंड द नंबर विच इज। आपने नंबर फाइंड आउट करना है। यहाँ पे लिखा है 31,405 मोर देन 23,896। मोर देन इट मीन्स आपने इन दोनों को प्लस करना है। तो प्लस कैसे करोगे? 31,405 23,896 को प्लस करो। 5 प्लस 6 11, 1 कैरी, 9 प्लस 1 10, 0 नीचे और 1 ऊपर कैरी करोगे। 8 प्लस 4 12 प्लस 1 13, 1 कैरी हो गया। 3 प्लस 1 4 प्लस 1 5, 3 प्लस 2 5। नेक्स्ट भी इसी तरह है, इन दोनों को प्लस करो। 5 प्लस 0 5, 5 प्लस 4 9, 4 प्लस 3 7, 9 प्लस 2 11, 1 कैरी, 8 प्लस 1 9 प्लस 1 10। थर्ड भी इसी तरह करोगे। 9 प्लस 5 14, 1 कैरी, 8 प्लस 3 11 प्लस 1 12, 2 नीचे 1 कैरी, 5 प्लस 1 6 प्लस 4 10, 0 नीचे आएगा 1 ऊपर। 1 प्लस 1 2, 2 प्लस 7 9, 6 प्लस 3 9। नाउ नेक्स्ट इज 7 प्लस 6 13, 3 नीचे 1 ऊपर। 5 प्लस 1 6, 5 में 0 प्लस किया 5, 0 में 0 को प्लस करेंगे 0, 6 प्लस 4 10। नाउ थर्ड पार्ट इज फिल इन द बॉक्सेस। आपने इनको बॉक्सेस में फिल करना है, ठीक है। आपको मिसिंग डिजिट्स दी हुई है, मिसिंग डिजिट्स को आप फिल करोगे। जैसे आपको दिया हुआ है यहाँ पे 5 प्लस 6, ठीक है, कितने हो गए 11, 1 नीचे 1 ऊपर कैरी करोगे। अब 8 प्लस 1 कितने हैं 9, बट यहाँ पे 6 दिया हुआ है आपको, तो आप क्या करोगे 9 में कितने प्लस करेंगे, हमारे पास आंसर 6 की डिजिट में आए, तो हम क्या करेंगे 7 लिखेंगे। 8 प्लस 1 9 प्लस 7 16, तो 6 नीचे 1 ऊपर। इसी तरह 8 में 0 प्लस करोगे 8 होता है, बट यहाँ पे 9 है तो 1 कैरी करेंगे। 8 प्लस 1 9, 8 प्लस 4 12, 2 नीचे 1 ऊपर। 3 में 1 प्लस करोगे 4, बट यहाँ पे 7 है तो देखो 7 में से 4 माइनस करो कितना आएगा 3, तो यहाँ पे 3 लिखोगे आप। इसी तरह नेक्स्ट सम है 0 में किसको प्लस करें आंसर 6 आए 6। 7 प्लस 4 11, 1 नीचे 1 कैरी। 3 प्लस 1 4, 4 प्लस 3 7, 8 में 3 है, ठीक है। अब हम 8 में क्या प्लस करें कि हमारे पास 3 की फॉर्म में आंसर आए, तो 8 प्लस 5 13, 3 नीचे 1 ऊपर। 2 प्लस 1 3 प्लस 1 4। इस तरह आप मिसिंग डिजिट्स को, ठीक है, कैलकुलेट करोगे। नाउ नेक्स्ट इज फिल इन द ब्लैंक्स। आपने ब्लैंक्स को फिल करना है। आपको दिया हुआ है 17 प्लस 5 प्लस 18 प्लस ब्लैंक इज इक्वल टू 43। आप इन तीनों डिजिट्स को प्लस करोगे, जितना आंसर आएगा उसको 43 में माइनस कर दोगे, तो आपके पास मिसिंग डिजिट आएगी। क्लियर है? जैसे 17 प्लस 7 कितने हो गए 24, 24 प्लस 6 30, तो यहाँ पे कितने हैं 40, तो यहाँ पे आएगा 40 माइनस 30 10। इसी तरह 11 प्लस 10 21, 21 में 19 प्लस करोगे, ठीक है, तो 47 में उसको माइनस करोगे तो 7 आंसर। ये भी इसी तरह आप करोगे, मिसिंग डिजिट्स फाइंड आउट करोगे। सिंप्लीफाई है, सिंप्लीफाई इट मीन सबसे पहले ये लिखोगे सेकंड डिजिट एंड थर्ड, फिर इन सबको क्या करोगे आप प्लस करोगे। जैसे यहां देखिए सिंप्लीफाई 8 प्लस 6 14, 14 प्लस 6 20, 0 नीचे 2 ऊपर। नाउ 7 प्लस 5 12,
12 प्लस 2 14, 4 नीचे 1 ऊपर, 5 प्लस 1 6 प्लस 2 8, 6 प्लस 3 9 प्लस 1 10। इसी तरह से नेक्स्ट सम है 5 प्लस 5 10 प्लस 6 16, 1 कैरी, 5 प्लस 2 7 प्लस 1 8 प्लस 1 9, 7 1 8 प्लस 2 10, 0 नीचे 1 ऊपर, 6 प्लस 1 7, 7 प्लस 3 10 प्लस 1 11। इसी तरह से नेक्स्ट थ्री सम आप खुद करोगे, प्लस के ही है, ठीक है। नाउ सिक्स्थ पार्ट इज चूज द करेक्ट ऑप्शन। फर्स्ट पार्ट इज अ स्कूल स्पेंट 94,156 ऑन कंप्यूटर। एक स्कूल है, उसने कंप्यूटर में इतने पैसे खर्च किए, फर्नीचर पे इतने, नाउ स्टेशनरी में इतने। हाउ मच मनी डिड द स्कूल स्पेंड, टोटल मनी कितनी खर्च की है स्कूल ने। तो आप क्या करोगे, तीनों को प्लस, ठीक है, तीनों डिजिट्स को प्लस करोगे। प्लस करके आपके पास आंसर आया 1,76,543, तो वहां पे आप टिक कर दोगे। नाउ नेक्स्ट इज देयर आर 45,675 पीपल वॉचिंग अ क्रिकेट मैच। इतने लोग क्रिकेट मैच देख रहे हैं स्टेडियम पे और इतने सीट्स खाली पड़ी हैं हमारे पास, तो बताओ टोटल सीट्स कितनी है स्टेडियम पे। दोनों को क्या करोगे, प्लस, तो आपके पास टोटल सीट्स आ जाएंगी। दोनों को प्लस करके आंसर आया 60,740, तो उस पर टिक लगाओ। नाउ नेक्स्ट इज द नंबर विच इज 10,000। आपको नंबर दिया 10,000 मोर देन, मोर देन में क्या करते हैं, प्लस। दोनों को प्लस करके कितना आंसर आया 2,81,305, ठीक है, तो फिर टिक करोगे। नाउ नेक्स्ट इज द सम ऑफ द ग्रेटेस्ट फोर डिजिट नंबर। ग्रेटेस्ट फोर डिजिट, ग्रेटेस्ट डिजिट कौन सी होती है, 9, तो उन्होंने फोर डिजिट बोला है, तो हम क्या लिखेंगे, फोर डिजिट, फोर टाइम 9। नाउ ग्रेटेस्ट फाइव डिजिट नंबर, 5 times 9, तो दोनों डिजिट्स को प्लस करेंगे, हमारे पास आंसर आएगा 1,09,998, वहां पे टिक कर दोगे। नेक्स्ट इज द सम ऑफ द ग्रेटेस्ट फोर डिजिट नंबर। सम ऑफ द ग्रेटेस्ट फोर डिजिट नंबर क्या होता है, 9, तो 4 times 9 लिखा। स्मॉलेस्ट फाइव डिजिट नंबर है, सबसे स्मॉलेस्ट डिजिट होती है 0, बट हम सबसे पहले 0 नहीं लिखेंगे, 1 लिखेंगे, बाकी 0 लिखेंगे, ठीक है। तो हम 10,000 में 9,999 को माइनस करेंगे, हमारे पास प्लस करेंगे, तो हमारे पास आंसर आएगा 19,999, ठीक है। तो ये थी आपकी एक्सरसाइज 3.5, ठीक है, इसको अच्छे से समझ लेना और अपनी रफ नोटबुक, फेयर नोटबुक पे, या आपके पास रफ नोटबुक है वहाँ पे कर लेना। Thank you. Have a nice day.